देवास सिविल लाइन थाना अंतर्गत रामनगर क्षेत्र में एक महिला के गले से बाइक सवार बदमाश तीन झपट कर भाग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल, लेकिन बाइक से आए बदमाश का कोई अता पता नहीं चल सका। बताया जा रहा है कि राधापति योगेश्वर शर्मा निवासी तिरक नगर एक अन्य महिला दुकान से सामान खरीद कर वापस घर लौट रहे थे। रामनगर में श्रेष्ठ पैथोलॉजी के सामने विशाल दुबे के मकान के पास बाइक से आए एक बदमाश ने गले से चेन झपट ली और भाग गया। राधा को समझ पाती इससे पहले ही बाइक सवार बदमाश भाग चुका था। इधर सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस एडिशनल एसपी मंजीत सिंह चावला सीएसपी विवेक सिंह भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल बदमाश के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। रामनगर से मतलब सीधे अंदर घर ही जा रहे थे। अब क्या वॉकिंग कर रहे थे क्या रोज? नहीं, नमकीन लेने गए थे हम दोनों। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस पीछे से वो आया और उसने एकदम चेन खींच के ना भाग गया। पता भी नहीं चलने दे, हमने नाम देख पाया। काय से था जो चेन? वो बाइक से था। कितने लोग थे गाड़ी में? आपने कुछ देखा? एक ही व्यक्ति था। किस तरह कपड़े पहने थे, क्या था? वो तो पेंट शर्ट पे कलर वाला तो देख नहीं पाए हम कि कौन सा क्या है। कितने ग्राम की चेन थी? चेन तकरीबन कितनी कीमत होगी चेन की? करीबन 80-90 हज़ार की तो। और आपका घर कहाँ है? ये नगर तिलक नगर। आपका नाम? राधा शर्मा। ठीक। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश कौर की रिपोर्ट।